Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड हिंदी पार्ट 14 क्रिसमस पढ़ने जा रहे हैं आज हम। 25 दिसंबर को ईसाई बड़ा दिन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्रिसमस डे कहा जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जिस प्रकार हमारे देश में दिवाली और दशहरे के त्योहार महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार यूरोप में क्रिसमस डे महत्वपूर्ण पर्व है। ईसाई लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 25 दिसंबर को प्रभु ईसा का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ईसा के जन्म की तिथि निश्चित नहीं है। वास्तव में जर्मनी आदि देशों में बहुत पुराने समय से यह दिन शीतकाल के प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता था। जब यूरोप के लोग ईसाई बन गए तो वे ईसा के जन्म की खुशी इसी दिन मनाने लगे। तभी से प्रसिद्ध हो गया कि प्रभु ईसा का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। यह पर्व अनेक प्रकार से मनाया जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका में बच्चे अपने मोजे अपने पलंग के पास टांग देते थे और रात को सो जाते थे। इस विषय में एक किंवदंती प्रचलित है। रात को सेंटा क्लॉज संत निकलसन आते हैं और वे बच्चों के मोजे में खिलौने भर जाते हैं। जो बच्चे जागते रहते हैं उनके मोजों में सेंटा क्लॉज खिलौने नहीं भरते। खिलौनों के लोभ में बच्चे रात को सो जाते हैं और जब सवेरे उठते हैं तो वे अपने अपने मोजे देखते हैं। उनमें खिलौने पाकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। खिलौने उनके माता पिता ही भर देते हैं, सेंटा क्लॉज नहीं, परंतु सेंटा क्लॉज उन पर प्रसन्न है। यह जानकर बच्चों को बहुत प्रसन्नता होती है। जर्मनी में यह प्रसिद्ध है कि प्रभु ईसा स्वयं ही रात को घर में खिलौने रख जाते हैं। प्रातः काल बच्चे उठकर घरों में इधर उधर खिलौने ढूंढते हैं। खिलौने पाकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं और ईसा का गुणगान करते हैं। फ्रांस में प्रसिद्ध है कि प्रभु ईसा लकड़ी के डिब्बों में खिलौने भर कर छोड़ जाते हैं। इस प्रकार इस त्योहार पर भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को उपहार देने का रिवाज है। 25 दिसंबर की रात को पटाखे और आतिशबाजियां छोड़ी जाती हैं। गिरजाघरों में ईसा का जन्म धूमधाम से मनाया जाता है। बालक ईसा के चित्र को झूले पर झुलाते हैं। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सप्ताह भर खुशियां मनाई जाती है। बालक बालिकाएं और युवक युवतियां सभी नाच गाना और मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार 25 दिसंबर के उपलक्ष में लोग आपस में बधाई पत्र भेजते हैं व मंगल कामना करते हैं। इस प्रकार यह समय आनंद पूर्व बीतता है। आपको पाठ पढ़ना है। पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ को कॉपी में लिखना है और सारा अभ्यास जो वर्क दिया हुआ है ये बुक में भी फिल करना है और कॉपी में भी फिल करना है। और इसका जो भी पीडीएफ है और आंसर शीट है मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।